हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। मैं आज आपके साथ एक दिवाली स्नैक्स की रेसिपी शेयर करूंगी जिसका नाम है खाजा। ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है और इसको घर पर बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर बाउल में मैंने 2 कप मैदा लिया है। इसमें मैं आधा छोटी चम्मच के लगभग अजवाइन डाल दूंगी। इसके साथ ही इसमें स्वाद के अनुसार नमक भी ऐड कर देते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके सेंटर में मैं एक वेल जैसा बना दूंगी और इसमें घी ऐड कर दूंगी। यहाँ पर मैंने घी मोइन के लिए यूज़ किया है, ये लगभग 4 टीस्पून है। मिक्स कर देंगे। आपको इसको हाथों से मिक्स करना है सो दैट कि जो मैदा है और घी है वो आपस में मिक्स हो जाएं। मैदे में घी को मिक्स करने के बाद अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसकी एक डो तैयार करेंगे। आपको इसमें धीरे धीरे पानी ऐड करना है। डो मैंने बना के तैयार कर ली है। इस रेसिपी के लिए डो ना तो ज़्यादा बहुत सख्त होनी चाहिए और ना ही बहुत ढीली होनी चाहिए। इसको मैंने 2 मिनट के लिए नीड कर लिया है। अब मैं इसको एक प्लेट से कवर करके 20 से 25 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख दूंगी। उसके बाद इससे रेसिपी बनाएंगे। पूरी के बीच में जो पेस्ट लगाना है उसके लिए मैंने यहाँ पर आधा कप चावल का आटा लिया है। इसमें मैं 4 टीस्पून देसी घी ऐड कर दूंगी और इसको मिक्स कर दूंगी। घी और चावल के आटे को मैंने मिक्स कर दिया है। इसको भी एक साइड में रख देते हैं। 20 मिनट हो गए हैं, आटा हमारा सेट हो गया है। इसको किचन काउंटर पर निकाल लेंगे। किचन काउंटर पर भी थोड़ा सा तेल लगा के इसको ग्रीस कर लेंगे, थोड़ा सा नीट करेंगे। और अब इसमें से इक्वल साइज की 4 बॉल्स बना लेंगे। इसके मैंने 4 सेम साइज के पेड़े बना लिए हैं। अब एक एक पेड़े को लेंगे और इसको एक बेलन की हेल्प से बेल लेंगे। बेलन को भी मैंने यहाँ पर ग्रीस कर लिया है। जितना पतला आप बेल सकते हैं उतना इसको बेल लीजिए। चारों पेड़ों को हमें इसी तरह से बेलना है। एक पेड़े को मैंने बेल लिया है, इसको साइड में रख देते हैं। चारों पेड़े इसी तरह से बेल के तैयार कर लेंगे। चारों पेड़े मैंने बेल के तैयार कर लिए हैं। अब मैंने जो चावल के आटे में घी डाल के पेस्ट बनाया है थोड़ा थोड़ा हाथ में लेंगे और इसके ऊपर ऐसे लगा देंगे, इसकी एक पतली सी लेयर बना दें। मैंने यहाँ पर अजवाइन और नमक यूज़ किया है। आप चाहें तो आप इसमें काली मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं और इसको और भी स्पाइसी बनाने के लिए आप इसमें गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो इसी पूरी को आप इटालियन सीजनिंग डालकर इटालियन टेस्ट में पूरी भी बना सकते हैं। इस पर मैंने पूरी तरह से पेस्ट लगा दिया है। अब दूसरी पूरी उठाएंगे, उसको इसके ऊपर रखेंगे और थोड़ा प्रेस कर देंगे। इसके ऊपर दोबारा से ये पेस्ट लगाएंगे। दूसरी पूरी पर भी मैंने पेस्ट लगा दिया है। यही प्रोसेस अब फिर से रिपीट करेंगे। सारी पूरियों पर मैंने अच्छे से पेस्ट लगा दिया है। अब इसको रोल कर लेते हैं। ऐसे उठाते हुए इसको टाइट रोल करेंगे। अब इससे छोटी छोटी लोइयां काट लेंगे। सारे पेड़ों को मैंने काट लिया है। अब एक एक पूरी उठाएंगे, इसको हल्का सा प्रेस करते हुए बेल लेंगे। ऐसे सारी पूरियां इसी तरह से बेल लेते हैं। सारी पूरियों को मैंने बेल के तैयार कर लिया है। अब इनको फ्राई कर लेंगे। उसके लिए मैंने पहले से ही तेल गरम करने के लिए रखा हुआ है। तेल हमारा अच्छे से गरम हो गया है। अब मैं इसमें पूरी डाल के इसको फ्राई कर लूंगी। गैस का फ्लेम मैंने अब लो पर कर दिया है। एक बार तेल गरम हो जाने के बाद गैस को आपको लो फ्लेम पर कर देना है। ऐसा करने से पूरियां अच्छे से अंदर से भी क्रिस्पी हो जाएंगी। मैंने यहाँ पर
दो की चार पूरियां बनाई थी, आप चाहे तो आप उससे कम या फिर ज्यादा पूरियां भी बना के इसको रोल करके इस रेसिपी को बना सकते हैं। अब मैं इसको तब तक फ्राई करूंगी जब तक कि इसका अच्छा सुनहरा कलर नहीं आ जाता। इनको पलट कर दोनों तरफ से सुनहरा होने तक फ्राई करें। पूरी हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है, आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा कलर आया है। आप इनको बनाते टाइम इसका पेड़ा बना के उसको अच्छे से प्रेस करके उसको बेलें, इसकी बहुत अच्छी लेयर्स आएंगी। इसको अभी जाली पर निकाल लेते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। ये देखने में बहुत ही टेस्टी लग रही हैं। सारी पूरियां ऐसे ही बेल के तैयार कर लेते हैं। मैं आज आपके साथ बेसन पापड़ी की रेसिपी शेयर करूंगी। इसे आप बेसन पूरी या फिर बेसन मठरी भी बोल सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है और इसे आप घर पर बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हो। तो चलिए बेसन पूरी या बेसन पापड़ी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 कप बेसन लिया है। सबसे पहले इसमें मैं मोइन के लिए घी ऐड करूंगी। मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून घी यूज किया है। आप चाहें तो आप इसकी जगह पर रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं। घी और बेसन को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। घी और बेसन को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें अजवाइन, कसूरी मेथी, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और सॉल्ट डाल दूंगी। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। इनको मिक्स कर लेते हैं। अगर आपको हींग का फ्लेवर अच्छा लगता है तो आप इसमें चुटकी भर हींग भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी ये पूरी बहुत अच्छी लगती है। अब मैं बेसन में धीरे धीरे पानी ऐड करूंगी और इसकी एक डो तैयार कर लूंगी। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। बेसन की पूरी बनाने के लिए डो ना तो बहुत सख्त होनी चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा सॉफ्ट होनी चाहिए। इसमें धीरे धीरे करके पानी ऐड करेंगे। पूरी बनाने के लिए डो हमारी तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं ये ना तो बहुत ज्यादा सख्त है और ना ही बहुत ज्यादा ढीली है। अब मैं इसको एक प्लेट से कवर करके 5 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख दूंगी। जब तक ये डो सेट होती है तब तक इसको फ्राई करने के लिए मैं तेल गरम कर लेती हूँ। 5 मिनट हो गए हैं, अब इस डो को बाहर निकाल लेते हैं। अब हमें इस डो को बेलना है। उसके लिए मैंने बेलन पर तेल लगा के उसको पहले से ग्रीस कर लिया है। मैं यहाँ पे पूरे डो को बेल रही हूँ। आप चाहें तो आप इससे छोटे छोटे पेड़े बना के उससे भी पूरी बना के फ्राई कर सकते हैं। किचन काउंटर को भी मैंने नीचे से ग्रीस कर लिया है। पूरी बनाने के लिए डो को मैंने लगभग 1/2 इंच की मोटाई में बेल लिया है। अब मैं इससे पूरी बनाऊंगी। इसके लिए यहाँ पर मैं कुकी कटर यूज कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने स्टार शेप कुकी कटर लिया है। आप चाहे आप इस पूरी को राउंड भी बना सकते हैं, जैसी भी शेप आप इसको देना चाहें आप दे सकते हैं। मैं इसको ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए यहाँ पर स्टार शेप कुकी कटर यूज कर रही हूँ। इसको भी हम ग्रीस कर लेंगे और इसपे इस डो से स्टार शेप पूरी बना लेंगे। अब बाकी डो को धीरे से उठाते हुए इसमें से निकाल देंगे। इस डो को दोबारा से बेल के फिर इससे पूरी बना लेंगे। एक्सेस डो को मैंने निकाल दिया है। अब फोक की हेल्प से इनको थोड़ा सा प्रिक कर देंगे सो दैट कि जब इनको फ्राई करें तो ये फूले ना। तेल हमारा गर्म हो गया है। अब मैंने गैस को बिल्कुल लो पर कर दिया है। एक बार जब आपका तेल गर्म हो जाए तो आपको गैस को बिल्कुल लो पर कर देना है। अब मैं इसमें पूरियां डालूंगी। इनको हमें लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है ताकि ये अच्छे से क्रिस्प बने। जितनी पूरियां एक बार में आ जाती हैं फिर इसमें डाल देंगे। पूरी खुद से ऊपर आ रही है, इनको बीच बीच में हिलाते हुए फ्राई होने देंगे। ध्यान रखें कि गैस आपको बिल्कुल लो पर रखनी है, तभी हमारी पूरियां क्रिस्प बनेंगी। बाकी की पूरियां भी इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं। इनको भी हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है और गैस का फ्लेम लो पर ही रखना है।
बेसन पापड़ी बनकर तैयार है। बहुत ही टेस्टी पापड़ी बनी है। इसे फ्राई करते टाइम एक बात का ध्यान रखें कि इसे बहुत ज्यादा सुनहरा होने तक फ्राई ना करें। जैसे ही लगे पापड़ी दोनों तरफ से सिक गई है, इसे बाहर निकाल लें। नमक पारे, मैंने इसको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए काजू का शेप दिया है। आप इसे कोई भी शेप देके बना सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसको बनाने के लिए मैंने क्या क्या लिया है। 100 ग्राम मैदा, 25 ग्राम देसी घी मोयन के लिए। मोयन हमेशा एक चौथाई डाला जाता है। अगर मैदा 100 ग्राम है तो उसमें मैं 25 ग्राम मोयन डालूंगी। आधा छोटी चम्मच अजवाइन ली है और नमक स्वाद के अनुसार। तो चलिए सबसे पहले इसका आटा लगाकर तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले मैदे में घी डाल दूंगी, इसके साथ ही इसमें अजवाइन और नमक भी डाल दूंगी। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। घी सारे मैदे में अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसकी एक डो बनाकर तैयार करूंगी। डो ना ज़्यादा नरम होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा सख्त होनी चाहिए। डो को मैंने 3 से 4 मिनट के लिए गूंद लिया है। अब मैं इसको बाउल में रख के एक प्लेट से कवर कर दूंगी और 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख दूंगी। उसके बाद हम इससे नमक पारे बनाएंगे। चेक कर लेते हैं, डो हमारी सेट हो गई है। अब एक बेलन की सहायता से मैं इसको बेल लूंगी। डो को मैंने बेल लिया है। ये लगभग इतनी मोटी होनी चाहिए। आप चाहें तो नमक पारों की कोई भी शेप बना सकते हैं। मैं एक ढक्कन लूंगी और इसकी काजू शेप बनाऊंगी। ढक्कन को ऐसे रखूंगी, ये वाला पार्ट निकाल दूंगी। अब ढक्कन को ऐसे रखते हुए ऐसे इसकी काजू शेप बनाऊंगी। बहुत इजी है ये। आप अपनी मर्जी के हिसाब से जितना मोटा पतला चाहे काजू बना सकते हैं। इसको ऐसे रखना है और ऐसे सारी डो से मैं इसी तरह से काजू बना के तैयार कर लूंगी। काजू नमक पारे मैंने बना लिए हैं। अब मैं इनको फ्राई करूंगी। ऑयल मैंने पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था। इसके लिए हमें मीडियम हॉट ऑयल चाहिए। एक एक करके नमक पारों को तेल में डालना है। लो से मीडियम हीट पर फ्राई करने से ये बहुत ही खस्ता बनते हैं। नमक पारे सिक कर तैयार हो गए हैं। इनका कलर गोल्डन हो गया है। अब मैं इसको बाहर निकाल लूंगी। बाकी के नमक पारे भी इसी तरह से तैयार कर लूंगी। खस्ता नमक पारे बनके तैयार हैं। आप इन्हें अपने घर पे जरूर ट्राई कीजिए, ये आपको बहुत पसंद आएंगे। आज मैं आपके साथ मेथी मटरी या मेथी पूरी की रेसिपी शेयर करूंगी। इसे हम मैदे से ना बनाकर आटे और सूजी से बनाएंगे, इसीलिए ये खाने में बहुत हेल्दी होगी। तो चलिए देख लेते हैं मेथी मटरी या मेथी पूरी बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है। इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कप गेहूं का आटा लिया है, 1 कप बारीक कटी हुई हरी मेथी है, 2 बड़े चम्मच देसी घी मोयन के लिए लिया है, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर है, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला है, 4 बड़े चम्मच सूजी है, नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। सबसे पहले हम आटा लगाकर तैयार करेंगे। आटे में मेथी डाल देंगे, घी भी डालेंगे, हल्दी
और गरम मसाला, सूजी डालेंगे, नमक स्वाद के अनुसार डालें और हरी मिर्ची भी डाल देंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटा गूंदेंगे। इसकी एक सख्त डो बनाकर तैयार करेंगे। आटे को बहुत पतला नहीं करना है। मैंने आटा गूंद लिया है। अब इसको मैं सेट होने के लिए 5 मिनट ऐसे ही रख दूंगी। आटा सेट होकर तैयार है। अब हम इससे मठरी बनाएंगे। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। इसमें से इक्वल साइज के पेड़े बनाकर तैयार करेंगे। पेड़े को हाथ में रखकर उंगलियों से ही प्रेस करते हुए मठरी बनाएंगे। एक फोक लेंगे और इसमें प्रिक कर देंगे ताकि जब हम इनको फ्राई करें ये फूले ना। सारी मठरियां ऐसे बना के तैयार कर लेंगे। मठरियां मैंने बनाकर तैयार कर ली हैं। अब मैं इनको फ्राई करूंगी। आप चाहे तो इसको ऐसे ट्रायंगल शेप में भी बना सकते हैं। तेल गरम करेंगे। एक बार जब तेल अच्छे से गरम हो जाए गैस को मीडियम फ्लेम कर देंगे। अब हम इसमें एक एक करके मठरी डालेंगे। बहुत ज्यादा मठरियां एक साथ ना डालें। इसको मीडियम फ्लेम पर धीरे धीरे सिकने देंगे। इनको पलट देंगे। इनको अच्छे से गोल्डन होने तक पकाएंगे। ये अच्छे से सिक गई है। अब इसको निकाल कर एक टिश्यू पेपर पर रखते जाएंगे। बाकी मठरियां भी इसी प्रकार बनाएंगे। टेस्टी मठरी बनकर तैयार है। आप इसे अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए। ये आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।